नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लाए हैं स्वीट रेसिपी जो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, हमने लिया है एक कटोरी मूंगफली के दाने, इस कटोरी से लिए हैं, देख लीजिए। अब इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको मतलब भूनेंगे अच्छे से। और देखिए, अब ये भून चुका है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे। इसको भूनने में लगभग 5 मिनट लग गया है समय। अब इनको दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम छिलका उतार लेंगे। देखिए, अभी ठंडा हो गया है। अब इसका हम छिलका उतार लेंगे इस तरह से। देखिए, रगड़ करके आप लोग उसका छिलका आसानी से उतार लेंगे और इसका जो छिलका है निकाल करके साफ़ कर लेंगे। इसी तरह से बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है। और देखिए, हमने अच्छे से साफ़ कर लिया मूँगफली के दाने जो है ना, उसको अच्छे से हमने साफ कर लिया है। अब इसी मूँगफली के दाने के हम बनाएंगे बर्फी। तो देखिए, बर्फी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मूँगफली के दाने हैं एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें उसको पीस लेंगे। यानी इसका हम मूँगफली के जो दाने हैं इसका हम पाउडर बना लेंगे। हम मूँगफली के दाने को पाउडर है उसको हमें कटोरी में निकाल के रख लेंगे। इसके बाद देखिए, कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे दूध। तो जिस से मतलब कटोरी से हमने मूँगफली के दाने लिए हुए थे उसी से हमने दूध लिया और उसी कटोरी से हम लेंगे चीनी। इसका मेजरमेंट यही है कि जिस कटोरी से आप मूँगफली के दाने लिए उसी कटोरी से दूध और चीनी दोनों लेना है। आप लोग दूध की जगह पर पानी भी ले सकते हैं। अब देखिए, उसको हम बस चीनी को जब मेल्ट हो जाए और एक उबाल आ जाए तुरंत उसमें हम डाल देंगे ये मूँगफली के जो हमने पाउडर बना के रखे हुए थे उसको। और इसको लगातार चलाना है जिससे गुठलियाँ ना पड़ने पाए। और इसके बाद देखिए, हमने चलाकर गाढ़ा कर लिया। उसके बाद गाढ़ा करने के बाद इसमें डाल दिए हैं इलायची पाउडर, उनको इसमें मिला लेना है इलायची पाउडर को। और इसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा घी। और घी डालने से होगा कि जो हमारी मूँगफली की बर्फी है बहुत ही खसखस बनेगी और सॉफ्ट भी होगी, इसीलिए हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। आप लोग अगर ना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इनको भी हम इसमें मिला लेंगे। और जो ये मिश्रण है इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। और गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और लगातार चलाते रहना है। अब इसके बाद देखिए, लगभग मेरा तैयार हो गया है जो मूँगफली का मिश्रण है। अब थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। तो एक कटोरी में ले लीजिए और जब कटोरी में थोड़ा सा बॉल बनने लगे चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से बॉल बनने लगे तभी समझ लीजिए हमारा मिश्रण एकदम परफेक्ट है। देखिए, ठंडा होने पे इस तरह से बॉल बन जाएगा, तब यानी हमारा जो ये मूँगफली का मिश्रण है मूँगफली की बर्फी बनाने के लिए, तो ये हमारा मिश्रण तैयार है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा झटपट निकालना है, नहीं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा और यह थोड़ा सही नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह का एल्युमिनियम फॉल पेपर अगर हो तो आप लो ले लें, नहीं तो स्टील का कोई बर्तन हो उस पर भी हो सकता है। तो इस पर हम थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे पूरा अच्छे से, जिसे जो मूँगफली की बर्फी हो निकलने में आसानी हो। तो इस तरह से लगा करके और इस पर तुरंत ही गरम गरम मूँगफली का जो मिश्रण है इस पर हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, एकदम गर्म ही है, बहुत ठंडा इसको नहीं करना है। अभी गर्म इसको फैला देंगे तो अच्छे से ये पूरा फैल जाएगा। तब इस चम्मच से भी हम थोड़ा सा इसको अच्छे से
चिकना कर लेंगे, और थोड़ा सा जब और अच्छे से थोड़ा सा हम सही करना करना है तो उसको थोड़ा सा हाथ में पानी लगा कर किस तरह से टैप कर दीजिए तो अच्छे से वो सेट हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा गर्म ही रहेगा तो इसको हम कट भी कर लेंगे। अब इसको बर्फी के आकार में या पेड़ किसी भी आकार में आप लोग शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं बर्फी के आकार में इसका शेप दूंगी क्योंकि मैं मूंगफली की बर्फी बना रही हूँ तो बर्फी का ही आकार दूंगी। तो इस तरह से जब गर्म यह है तभी कट करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो सूखने के बाद अच्छा से नहीं कटेगा। आप लोग ये रेसिपी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छी ये बन जाती है और बहुत कम समय में, ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं लगता है। घर पे बढ़िया मिठाई तैयार हो जाती है। इस तरह से देखिए हमने कट कर लिया है, अब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है एक सेप, कोई बात नहीं है, छोड़ दे रहे हैं ऐसे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको। देखिए 15 मिनट बाद फिर इसको हम चेक कर रहे हैं तो देखिए एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको हम बर्फ़ी को निकाल लेंगे, देखिए कितनी अच्छे से निकल जा रही हैं। आप लोग जरूर इस बर्फ़ी को ट्राई कीजिएगा, मूँगफली की बर्फ़ी बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए मैं फोड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ, तोड़ के दिखा दे रही हूँ, तो देखिए कितने अच्छे बने हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।